हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका एग्जूम के चार्जर के ऊपर में रहेगा। दोस्तों मेरे पास यहां पे देख सकते हैं तो एग्जूम का ईबी का चार्जर रिपेयर होने के लिए इसी टॉपिक पे है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताऊँ यहाँ पर आपको फोकस करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसमें एक यहाँ पर कार्ड लगी थी। ओके, अब इसमें जो एक कार्ड लगी थी, ये कार्ड क्या करता है, पीसीबी क्या करती थी, तो सबसे पहले आपको बताऊँ इसमें टोटली 3 पॉइंट थे। 2 पॉइंट पे दोस्तों 48 वोल्ट आ रहा था जो बैटरी का सोर्स मैंने दिया, तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से ट्रैक आपका 48 वोल्ट का पॉजिटिव और ए वाला निगेटिव। ओके, उसके बाद दोस्तों ए वाला ट्रैक से आपका क्या हो रहा था, 12 वोल्ट आउट हो रहा था। और 12 वोल्ट कहाँ कहाँ जा रहा था, 12 वोल्ट सबसे पहले दोस्तों यहाँ से होते हुए सबसे पहले आपका कहाँ पर आ रहा था, ए 78.5 लगा रहता है कंट्रोल कार्ड में, यहाँ पे जा रहा था और 35-25 के लिए जा रहा था। ठीक है जी, तो दोस्तों क्या हो गया था, इसमें प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी आपको मैं बताऊँ, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक से इसमें दोस्तों मैं इसका सामान बाहर निकाल दिया हूँ। ये आपका एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर है और एक रेजिस्टेंस वगैरह कुछ यहाँ पर लगे थे। इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जो यहाँ पर 6 पिन का जो आईसी आप देख रहे हो, ये दोस्तों जो ड्राइवर आईसी है, ड्राइवर आईसी को स्विचिंग कराता था और यहाँ पर आपका एक मोसपेट लगा हुआ था। मोसपेट दोस्तों आपको मैं बताऊं 640 मोसपेट लगा हुआ था। इस मोसपेट को क्या हो रहा था दोस्तों, स्विच करके और 12 वोल्ट आउट कर रहा था। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो डीसी टू डीसी यहां पे 48 से 12 वोल्ट सप्लाई बना रहा था, लेकिन दोस्तों यहां पे देख सकते हैं इसकी जो आईसी है, इसकी वीसीसी पिन क्या हो गई थी, शॉर्ट हो गई थी, ग्राउंड के साथ शॉर्टिंग बता रही थी। अभी आईसी स्विचिंग नहीं कराएगी मोसपेट को तो आउटपुट नहीं आएगा। तो दोस्तों मैंने इस सिस्टम को हटा दिया। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर फोकस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 48 वोल्ट से मैंने एक यहाँ पे डायोड 4007 लगा दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 5 वाट का रेजिस्टेंस लगा दिया 1 किलो ओम का, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पैरेलल में 12 वोल्ट का जीनर 5 वाट का, कितने वाट का, 5 वाट का 12 वोल्ट का जीनर लगा दिया ग्राउंड के साथ में। ओके, तो यहाँ पर मेरा 12 वोल्ट आने लगा। अभी आपको मैं यहाँ पर चेक करके एक बार दिखा भी देता हूँ मैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने बैटरी का सोर्स दे दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे फोकस करना है, मैंने 48 वोल्ट दे दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं निगेटिव लेता हूँ और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कंफर्म यहाँ पे। सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे 11.8 वोल्ट है, यानी 12 वोल्ट के करीब में आ रहा है। अब दोस्तों मैं इसको मेन देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करता हूँ, मेन देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं सीरीज में देता हूँ, यहाँ से मेन दिया दोस्तों। ये आपका पंखा रनिंग हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ एक बार। उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा चार्जर यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पे जो एलईडी का लेवल है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते जाएगा। ओके, यहाँ पे बढ़ रहा है चार्जर और हमारा यहाँ पे 65.2 वोल्ट और एम्पियर 10 एम्पियर ले रहा है। टोटल हमारा 16 एम्पियर 65 वोल्ट का चार्जर है। ओके, पंखा थोड़ा स्लो घूम रहा है क्योंकि अभी जाम है। ओके, बाकी यहाँ पे एयर तो फेंक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों ई रिक्शा चार्जर के ऊपर में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।